खरगोन शहर में आए दिन चोर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। गत दो दिन पहले हुई लाखों की चोरी का खुलासा भी नहीं हुआ था और गत रात को चोरों ने फिर विस्टान रोड स्थित द्वारकादास भंडारी की दुकान पर 50,000 की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने दुकान के साइड में खड़े ट्रक पर चढ़कर दुकान के ऊपर चढ़े और दुकान के पत्रे उछकाकर दुकान के अंदर घुसे और गल्ले में रखे चिल्लर और नगद लगभग 50,000 ले जाने में कामयाब रहे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दुकान का निरीक्षण किया। इस दौरान चोर 5 की गड्डी और नोट और दराज वहीं छोड़ गए। दुकान मालिक नवनीत भंडारी ने बताया कि रात को दुकान पर ताला लगाकर घर गए थे। इसी दौरान अज्ञात चोरों ने दुकान के पत्रे निकालकर अंदर घुसे और लगभग 50,000 की चोरी को अंजाम दिया है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। छोटे वाले भैया ने दुकान खोली तो उसको गल्ले वगैरह और तिजोरी वगैरह सब खुला मिला। मतलब गल्ले में जो छोटा गल्ला रखते हैं उसके अंदर पूजा के अंदर के 2,000 के नोट थे और चिल्लर तिजोरी भी थी और सामने बाहर भी थी करीबन 40-50,000 रुपए की। वो चिल्लर सब गायब हुई और वो राज किसके लाया, राज उसने यहाँ बगलाया और ये पत्रे से नीचे कूद के आया और यहीं से उसने उधर से वापस जाने की कोशिश करी तो उधर से बाहर नहीं गया वो। ए बकू खोल के बताइए, इसके अलावा और कुछ गया है क्या? इसके अलावा कुछ नहीं गया सर, वो सिर्फ चिल्लर ही ले गए। बाहर से गिदर थे ऐसा कुछ मार, इधर से यही सामने से घुसे थे ट्रक पे से फायर ट्रांसपोर्ट ट्रक पे चढ़ के अंदर आए। मतलब ये फायर ट्रांसपोर्ट इसको फायर ट्रांसपोर्ट ट्रक पे चढ़ के अंदर आए और नीचे उतरे और गल्ला तिजोरी साफ करके उधर से बाहर से जाने की कोशिश करी। बैठे बाहर जाने की कोशिश करी वो बाहर जा नहीं पाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।